वेलकम बैक टू माई चैनल, आर चैनल देव एंड मैगी। ये हिमांशु है, आप सब इसको जानते ही हो। क्या भाई है, सबको पता है ये मेरा भाई है, प्यारा सा। सो आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं, ईट इट और वेयर इट चैलेंज, ठीक है। इसके रूल्स मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्या है। हमने 6-6 क्वेश्चन अपने फोन में लिखे हैं, वो हम एक दूसरे से पूछेंगे, ओके। अगर किसी ने सपोजिटली मैंने इससे क्वेश्चन पूछा और इसने गलत जवाब दिया, तो ये इस बोल में से एक चिट पिकअप करेगा। इसमें कुछ 12 या 14 चिट्स हैं और उस पर ईट इट या वेयर इट दोनों में से एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक चिट पिकअप करेगा। क्वेश्चन पूछने से पहले ही ना, जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो इंग्रेडिएंट रख देगा निकाल के, ठीक है। सो इफ इसका आंसर गलत हुआ और मैंने ये इंग्रेडिएंट रखा हुआ है, ये चिट निकालेगा। अगर इसका ईट इट आया तो ये एक चम्मच इसका खाएगा, और अगर इसका वेयर इट आया तो मैं इसके सर पे डालूंगी एक चम्मच इसका, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। और गाइस, अगर हमने सारे आंसर सही दिए तो मतलब ये गेम पूरा फ्लॉप भी हो सकता है, हमें कुछ भी खाना और वेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों नहा चुके हैं सुबह, और अगर हम गंदे हुए तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। तो मैं इंग्रेडिएंट्स जल्दी से आपको रन थ्रू कर देती हूँ क्या क्या है। पुदीने की मेथी की चटनी, दिस इज मेयोनीज, रूह अफ़ज़ा, ये अमूल कूल की क्या है, केसर मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क, केचप, ठीक है, और गुआवा जूस, ये है सोया मिल्क, ये है कॉफी, बनाना, एग्स है हमारे पास, और लेमन, और ये क्या है, पास्ता और पिज्जा की सॉस है जो कि चिली टाइप है। ग्रीन चिली मैंने रखी नहीं क्योंकि ग्रीन चिली अभी घर पर है नहीं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले मैं अपना इंग्रेडिएंट चूज कर रही हूँ, ठीक है। कुछ बादाम ऐसी चीजें रखती जो खाने वाली मम्मी कह रही है कुछ बादाम और ऐसी चीजें रखती तो फिर फन क्या होता। तो मेरा इंग्रेडिएंट ये है पास्ता सॉस, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको नहीं पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ कि मैंने ये लिखा है और इनको नहीं पता इसका। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फेवरेट कलर? ब्लैक। सिंगल है क्या कोई, या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं? तेरे को जवाब देना है, एक ही जवाब है इसका। एक ही है मतलब कि जवाब तेरे को देना, मैं कोई हिंट नहीं देगी इसमें। फेवरेट कलर बताना है तुझे। मैंने अपना सोच रखा है, चल ब्लैक। तो जैसा कि मैंने सोचा था, ये गलत जवाब है। मेरा कोई फेवरेट कलर नहीं है, मुझे सारे कलर्स पसंद हैं। मैं लगा ही था। सो अब ये चिट उठाएगा, इधर ही हैज टू ईट दिस पास्ता सॉस और वेयर दिस पास्ता सॉस। शिट मैन, फिंगर एक ग्रिप करके बस ले लो। हां का प्रेम, वेयर इट, वेयर इट, आसान आसान है। थोड़ी सी दिखाई, मम्मी कह रही है थोड़ी सी लगाई हो। ये जाएगी इसके ढकले पे, रख देती हूँ पड़े रहे, या थोड़ी फैला देती हूँ। नहीं फैलानी, पागल है फैलाने वाला गुस्सा है। ओके, सो नेक्स्ट इज हिज टर्न। तो मेरा है लास्ट पर्सन और थिंग हु मेड मी क्राई। ये मुझे पता है, मुझे पता है मेरे सामने हुआ होगा। लास्ट पर्सन जिसने तुझे रुलाया था, और थिंग, थिंग भी है। थिंग क्या, थिंग कुछ भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। तेरे को फिर प्याज ने रुलाया था लास्ट। प्याज ही है आई थिंक। मेरा आंसर है अनियन। गलत। क्या है मूवी ने पिंक, ठीक है। मैं अपनी चिट निकाल रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है। वेयर इट, प्लीज के सर पे यार, इसकी पड़ी हुई है, ये देखो स्वाहा हिला ले। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज माय फेवरेट टीवी शो लाइक ऑन इंटरनेट? मेरा फेवरेट टीवी शो कौन सा है बता दो। सेक्स एंड द सिटी और
फोर मोर शॉट्स. गलत है. पहला तो सही है. हाँ. तो बस तो एक और. तो तूने कहा था एक भी एक्सेप्टेबल. हाँ. क्या दिल्ली क्राइम हाउस एमडी. अरे हाँ. वो भी है. चलो ठीक है, इसका जवाब सही है. तो फिर ये एग्जाम्पल हो गया. मेरा सेकंड क्वेश्चन है फेवरेट सिटी और प्लेस. यार ये क्या है. वहां पे मतलब रह भी हो सकता हूँ, घूमने भी जा सकता हूँ, दोनों में से कोई नहीं. घूमने वाला वो नहीं होगा ना. तो मेरा आंसर है यार ये मेरे को कभी भी नहीं बताया इसने. गुड़गांव. ठीक है. एक्सेप्टेबल है. दूसरा चंडीगढ़ है क्या. दिल्ली. दिल्ली. छी, आई हेट दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. मैंने लास्ट मैसेज तेरे को क्या भेजा था व्हाट्सएप पे और तू चेक नहीं कर सकता. लास्ट मैसेज व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे मैंने लास्ट मैसेज क्या किया हुआ था. ये भेजा. मेरा इंग्रेडिएंट है एग. तूने भेजी है लास्ट मैसेज. तूने भेजी थी दो स्माइली मम्मी की फोटो के लिए. थग लाइफ का रिप्लाई किया तूने. तो गाइस हुआ ये था कि मम्मी रात को हम लोग अपने अपने रूम में चले गए थे सब लोग और मम्मी रात को एक बज रहा था कुछ बीड़ी पी रही थी ये वॉशरूम आया था और मम्मी ऐसे करके मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी वो इसने मुझे पिक्चर भेजी थी रात. मैं तेरे को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है. चार स्माइली भेजे हैं मैंने तेरे को पर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूं इसका आंसर. मेरा थर्ड क्वेश्चन है. मेरे तो सारे इसी गलत होने हैं. हम रात को सोते हैं 8 से 9 घंटे सोते हैं ऑन एन एवरेज. तो उस 8 से 9 घंटे में मेरा जो बेसिक मतलब स्लीपिंग पोजीशन है वो कौन सी है. यार? <मैं बताती। laughs> आप क्यों बताते हो, आप थोड़ी बताओगे. मेरे ख्याल से मेरा आंसर है कि इसका आंसर आ गया तेरा. हाँ, कि ये उल्टा होता है मतलब तेरा पेट नीचे होता है बेड पे. मेरा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट. ओवरऑल क्या. ओवरऑल मेरी नेचर. ये इंट्रोवर्ट है. ले देंगे. ले देंगे का क्या मतलब है. मतलब डिपेंड करता है ना कैटेगरी के हिसाब से. मूड के ऊपर होता है. नहीं कि ये बंदे को कितना जानती है उसके हिसाब से. जनरली तो खुल जाती है ना जब तू बंदे को जान जाती है. वो तो मैं भी उस केस में हर कोई खुल जाता है लेकिन किसी का ही होता है कि वो तो उसको थोड़ी सी और मतलब चाहिए होती है सिक्योरिटी उसके बाद खुलता है और कोई थोड़ा सा पहले खुल जाता है. मैंने इतने सोच सोच के मुश्किल क्वेश्चंस लिखे हैं. कुछ ये मुश्किल है इतना सा. मुश्किल क्वेश्चन है एक. लेकिन मैं आंसर सही दे रही हूँ इसके मुश्किल क्वेश्चंस के. तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है. मैं फेवरेट थिंग कौन सी है जो मैंने खरीद रखी है मेरे पास है. तेरे हेडफोन्स. अरे यार सही है. इसको मैं ले लूंगा. वो कौन से है. ओडीसी LCDX है. फोटो चिपका दियो. ठीक है. आइलैंड फोटो पिक्चर इसके हेडफोन्स की. नेक्स्ट. सारे बताए जा रहे हैं कुछ. यार हमारी गेम फ्लॉप साबित हो रही है. एक का निंबूडल है और एक का मोडल है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डॉग्स की ब्रीड मुझे ये है कि मुझे ये लेनी है. अरे ये तो मुझे वो जब मासे की घर है जो वो तो बिल्कुल नहीं है. ये इसको पता नहीं होगी मेरा इंग्रेडिएंट. वो भी नहीं पता मुझे कौन सी ब्रीड है. पैगी ये वो मासी वाला ही है. है ही नहीं किसी के पास. मैं मासी वाला ही है डॉगी जो इसको कोई पसंद है. किसी के पास नहीं है. पग था मासी के पास. तो मेरा वाइल्ड गैस है वाइल्ड जर्मन शेफर्ड. No.
लैब्रा नो गोल्डन रिट्रीवर मेरे को गोल्डन रिट्रीवर चाहिए मैं समझ गया उसके लुक समझ गया मैं वो जो फ्लफी फ्लफी से बाल उसके बहुत होते हैं चलो जी पर्ची निकाल लो वी आर रिटायर्ड बाय सीन हो गया ईट इट आया तो आसान हो जाता यार टॉवल ना खराब कर क्यों मम्मा टिश्यू तो चाहिए हो ना मैं कुछ तो चाहिए होगी ठोक दे तो टूटेगा नहीं ठोक के वैसे मेरे मेरे नसन में आ गए बस टूट गया हाँ ची इसको किसी हाय यार इसकी पास्ता वाली सॉस लग रही है मेरे ऊपर उसकी स्मेल भी आ रही है हाँ यक तो जो खुलवा कितने रह गए अब कितने रह गए शाइनी हो जाएंगे तेरे बाल पूरा इसको उठा के भी लगा ले क्वेश्चन है जो बहुत ट्रिकी हो सकता है सारे जवाब दिए मैंने मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ये तो ऐड करना जरूरी था इसका फेवरेट कलर कोई नहीं है मेरा जवाब ये है ब्लैक इसने अंडा निकाल लिया यार मेरे को गलत लग रहा है मेरा जवाब मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक अब उठा अब तेरा सीन हो ईट आ जाए तेरे साथ तेरे साथ तेरा तेरा सीन हो जाएगा अरे यार शिट यार यार आ जा गिर गया साइड पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलेड में मेरी फेवरेट वेजिटेबल क्या है मेरा इंग्रेडिएंट है मेयोनीज सैलेड में कुकुम्बर वही है मांचू तेरे को पता इसका पैर है चल हाँ खीरा खीरा ले खीरा सही है yes. खीरा है इट्स कुकुम्बर लास्ट क्वेश्चन वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन गाइस पूरी एक चम्मच खानी पड़ेगी खा लें पागल मर जाएगी तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है अगर इसका आंसर गलत हुआ तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्यों हाँ यार ये कोई बात नहीं है yeah. मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिगेस्ट फियर ये तू बताएगा भी और चल तू पहले बता तो सही उतना होएगा ना तेरा गलत होगा इसका बिगेस्ट फियर है लूजिंग हिज फैमिली मेंबर्स फाइनल है देर ले हाँ सही है आई नो एवरीथिंग इसका अभी तक बहरा खींडी रही है तो ठीक है गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा गेम और मजे आए इंटरेस्टिंग था यार ज्यादा गन नहीं मच पाया एक्चुअली हमें एक दूसरे के बारे में पता ही है काफी कुछ ठीक है क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं आई होप यू गाइस एंजॉयड इट अगर आपको कोई सजेशन है और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो ये आप भी अपने घर में अपने ब्रदर सिस्टर के साथ मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते सही बोल रही हैं सो मम्मी यही कह रही है कि आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो इट्स अ फन वीडियो सो अपने मम्मी पापा के साथ अपनी फैमिली के साथ आपको मजे आएंगे और आप खुद भी खेल सकते हो जस्ट फॉर फन आपका बॉन्ड भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा आप साथ में टाइम भी स्पेंड कर पाओगे तो इट्स अ नाइस फन गेम और बेस्ट टाइम है या एंड दिस इज द बेस्ट टाइम मतलब अभी बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में वर्ल्ड में देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा फैमिली टाइम हमें कभी मिलता नहीं है सो या यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फैमिली एंड शेयर दिस वीडियो विद देम तो चलो इसी के साथ हम जल्दी से वीडियो एंड कर देते हैं और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को अगर मजा आ रहा है आपको ये वीडियो देखने को में लाइक कर लेना वीडियो को लाइक भी कर लेना और शेयर भी हम इतने गंदे हुए उसी की खातिर अब हमें दोबारा नहाना पड़ेगा नहाना 2.0 ऑलराइट गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो चाओ बाय हाय हाय यही तो गिरा शिट
मैंने सोचा था शॉर्ट तो गंदे होंगे ही नहीं, चेंज नहीं करे मैंने इसलिए।